दोस्तों, किसी ने कहा है कि कोई भी भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन इसे निश्चित करने की हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। कुछ लोगों में बिजनेस के गुण जल्दी ही विकसित हो जाते हैं और जल्दी ही वो सक्सेस भी पा लेते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए सहायक और इंस्पिरेशन बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसका नाम भारतीय मूल के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की फोर्ब्स लिस्ट में शामिल है। वो शख्स है दिव्यांक तुर्खिया। 18 साल की उम्र में ही मिलियनियर बनने वाले और दुनिया भर में टॉप 5 ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस में से एक media.net के co-founder के रूप में जाने जाते हैं। दिव्यांक का जन्म 29 जनवरी 1982 को मुंबई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी स्कूलिंग मुंबई से ही हुई। बचपन से इन्हें कोडिंग में बहुत रुचि थी, इस वजह से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की और खुद ही कोडिंग करना शुरू कर दिया। 1998 में अपने पिता की मदद से अपने भाई भाविन के साथ डायरेक्टी नाम से खुद की कंपनी शुरू की, जो दूसरी कंपनियों को वेबसाइट डोमेन नेम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद इन्होंने बिग रॉक नाम से एक और कंपनी बनाई और अब तक लगभग एक दर्जन कंपनियां बना चुके हैं। 2014 में इन्होंने अपनी 4 कंपनियों को US में $107 बिलियन में बेच दिया और 2010 में बनाई कंपनी media.net को पिछले साल एक चाइनीज कंपनी को $900 मिलियन में बेचा है, जो वर्ल्ड की अब तक की सबसे बड़ी एड टेक डील कही जा रही है। उनके इस सक्सेसफुल काम के लिए 2005 में भारतीय फाउंडेशन द्वारा भारतीय एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड और 2011 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड जैसे कई अवार्ड मिले हैं और 2016 में फोर्ब्स ने भारत की सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में इनका नाम शामिल किया है। बिजनेस के साथ साथ दिव्यांक और भाविन अपने फैमिली और स्पोर्ट्स के लिए भी समय निकाल लेते हैं। दोस्तों, इन दोनों भाइयों ने अपने काम से यह साबित किया है कि अगर आपके पास हुनर है तो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति के पास अपना एक हुनर या कौशल होता है, उसे पहचान कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि सफलता आपके पास तभी आएगी जब आप जोश और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार काम करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।